अब बता ही देती हूँ क्योंकि हम लोग ले ही रहे वो चीज़, दरअसल हम लोग आए यहाँ पर फ्रिज लेने। तो गाइस फाइनली अब हम लोगों ने पैक कर दिया ऑटो, तो चलो लेट्स गो अंदर। लेबर नहीं यार, हम लोग जा रहे हैं मार्केट। थोड़ा सा अंधेरा होने वाला है, अभी ऐसा है कि हम लोगों को निकलना है मार्केट। ओ माय गॉड सॉरी, इस बैग में हम थोड़ा सा अपना कीमती सामान डालेंगे, मतलब कूड़ा ले जाएंगे, ठीक है। बाकी ऐसा है और ना कूड़ा आजकल आंटी यहाँ पर फेंकने नहीं देते, इसलिए हम लोगों को नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। आंटी नहीं, और पता कल गया बहुत ड्राम हो गया अभी आपको, मतलब एक अंकल था ना, वो दोनों हाथ में ऐसे ऐसे टाइप के बैग लेकर चले थे, ठीक है। हमें लगा शायद वो कूड़ा फेंकने के लिए आ रहे हैं, और वहाँ पर सारी ना जो ये कमेटी की आंटियाँ होती है ना, हाँ छुप के बैठी थी, मतलब ना, तो हमें हम नीचे से आ रहे थे और अंकल वो ऊपर से आ रहे थे ना, और हमने मुझे लगा ना क्योंकि अंधेरा था, और मुझे लगा दो बैग डाले, मुझे लगा कि अंकल के पास पक्का कूड़ा है। मैं कहा अंकल आप कहाँ जा रहे हो, कूड़ा फेंकने जा रहे हो? तो अंकल ने भी हाँ में हाँ मिला देना, बिल्कुल ऐसा बोला अंकल हाँ कूड़ा फेंकने जा रहा हूँ। तो फिर मैं बोला अंकल मैं आ गया, आंटियाँ बैठी, मैं कमेटी वाले, तो ऐसा सब लौट जाओ यहाँ से। और अंकल ने भी हाँ में हाँ मिला, ठीक है भाई। बट क्या आगे जाके पहुँचना, आगे बोलते अंकल की सही करे तब, मैं हाँ सही तो करे ना, अच्छी बात है, लेकिन बोलते मेरे पास तो सब्जी है। चीटिंग करता है तू। ओह माय गॉड, इतनी ज़्यादा मतलब बेइज्जती हो गई ना कि मैं क्या बताऊँ। बट ऐसे फिर हम लोग ऐसे हंसती है, फिर अंकल ने कहा कि ये बात तो सही है, कूड़ा यहाँ नहीं फेंकना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, कूड़ा फेंकना नहीं चाहिए, इसलिए हम लोगों को जहाँ पर कूड़े की जगह वहीं पर ही हम लोग कूड़ा फेंकने जा रहे हैं, है ना। बाकी वहाँ से इकट्ठा करते हैं, है ना, जो कूड़ा वहीं फेंकेंगे, लेकिन नहीं गलत जो अभी ऐसे करके निकलते, और हमें काम है नीचे मार्केट जा रहे हैं, काम है हम लोगों को। एक तरह हम लोगों ने भोले बाबा जी के दर्शन कर लिए, ये रहे हमारे भोले बाबा जी। तो अभी ऐसा है, अभी हम लोगों को मार्केट जाना नीचे, पता नहीं दुकान बंद हुई होगी कि नहीं, क्योंकि अब शाम भी हो गई है, तो हम लोग बेड टाइम पे निकले ना। और देखो अभी पहुंचना है दुकान हम लोगों को, अब भगवान जाने पता नहीं दुकान बंद हुई होगी कि नहीं हुई होगी। हम लोगों को बहुत इमरजेंसी वाला काम है, क्योंकि अगर आज नहीं हुआ वो काम तो फिर कल नहीं होगा, क्योंकि कल संडे है, परसों मंडे है, तो करके तो अभी चलो फटाफट निकलते हैं और भोले बाबा जी को प्रणाम करते हुए पहुँचते हैं नीचे, देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं होता है। बाकी अभी मौसम बहुत अच्छा भाई। अभी पता क्या है, अभी ऐसा है कि अभी सारी दुकानें जो है वो बंद हो रही है, मुझे लग रहा है कहीं हमारी जो दुकान है ना जिस काम के लिए हम लोग जा रहे हैं वो बंद ही दुकान हमारी, तो आई मीन जिस काम के लिए हम लोग जा रहे हैं ना वो दुकान बंद हुई, तो कोई फायदा नहीं इतना जल्दी जल्दी आने का। बाकी देखते हैं अभी क्या होता है, होती है तो ठीक है वरना नहीं। अभी ऐसा कि हम लोग पहुंच तो गए हैं बस स्टैंड, और जा रहे हैं दुकान की तरफ। कितने की किलो? 20 की, 2 किलो को। अभी हम लोग पहुंच तो गए हैं बस स्टैंड ना, तो अभी हम निकल रहे हैं आगे की तरफ। अभी देखते हैं वो दुकान बंद है नहीं है, खुली है, होगा काम कि नहीं होगा, वरना हम लोगों को रुकना पड़ेगा लगभग एक दिन, क्योंकि संडे को तो बंद होती है, ठीक है। मंडे को हम लोग बिजी हैं, पूरा बिजी, तो अभी देखते हैं क्या होता है। बताऊंगी मैं आपको भी क्या काम है, पहले ही क्या बताना क्यों। जिस दुकान के पास हम लोग जा रहे हैं ना वो दुकान सामने ही है, और अभी क्लोज होने वाली है, मतलब खुली ही है अभी दुकान। बाकी ऐसा है कि अभी हम लोग पहले कन्फर्म करेंगे वो चीज़, वो हम क्या करने जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, बाकी क्या होता है वहाँ पर, हम लोगों का रेट बैठता है कि नहीं बैठता, ठीक, तो ही हम लोग आपको आपके साथ शेयर करेंगे। पहले हम लोग खुद बात करेंगे, दैन उसके बाद हम आपसे शेयर करेंगे कि हम लोग क्या लेने वाले हैं अपने रूम के लिए। तो अभी चलते हैं अंदर और पूछते हैं। सो गाइज अब बता ही देते हैं, क्योंकि हम लोग ले ही रहे वो चीज़, दरअसल हम लोग आए यहाँ पर फ्रिज लेने, तो अभी फिलहाल तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि हम लोगों को अगर सेकंड हैंड मिल जाए तो बेटर रहेगा, क्योंकि कुल्लू में हम लोग रूम में हम लोगों को क्या ही चाहिए फर्स्ट हैंड। बाकी देखते हैं अभी क्या होता है, क्या बनता है। तो गाइज अभी हमारा जो फ्रिज है वो फाइनली हम लोगों ने जो है रेफ्रिजरेटर अपने लिए ले लिया है, बट हम लोगों को सेकेंड हैंड ही पड़ा, और बताया जा रहा है कि ये जो रेफ्रिजरेटर है ना ये कम से कम
लगभग 3-4 दिन पहले वो ही आया है दुकान पे। तो हम लोग तो आए थे यहाँ फर्स्ट स्टैंड लेने, बट हम लोगों को सही कीमत में मिला, तो हम लोगों को लगा कि हम लोगों को ज़्यादा क्या ही करना है। तो अभी इसको ले जाते हैं, देखते क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि घर पे ना खाना सारा सड़ रहा है, ऊपर से गर्मी बहुत मुश्किल हो रही है। तो अभी देखते हैं यार क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी हमारा तो फ्रिज है वो ऑटो में रख दिया है, तो अभी लोग निकल रहे हैं रूम की तरफ। चलो जी, ऐसा कि सिया और विशाल वगैरह उनको भेज दिया आगे रूम पे, बेचारे उन्होंने सामान उठाया पूरा फ्रिज जो हमारा होता है। बाकी मैं इनके लिए थोड़ा सा जूस वगैरह सब्जी सब्जी लेने आ गई थी नीचे, तो अभी ऐसा है कि अभी मैं जा रही हूँ रूम की तरफ, बाकी बातें रूम पे करते हैं। फाइनली हम लोग रूम पे पहुँच गए हैं, मतलब मैं पहुँच गई हूँ अभी रूम पे। इतना ज़्यादा मतलब बिजी हो गई थी, इतना ज़्यादा मैं समझ नहीं आ रहा क्या करें यार, लें कि नहीं लें। फिर पापा को फ़ोन किया, पापा तो बोलते कि भाई सेकेंड हैंड में पागल हो गई है। तो फिर ऐसा है कि सेकेंड हैंड हम लोगों ने इसलिए लिया बिकॉज हम लोगों को थोड़ा मतलब सस्ता भी पड़ा, और दूसरी बात यह है कि अच्छा था ये फ्रिज, मतलब उतना भी बुरा नहीं था मतलब ना। तो अभी अंकल ने बताया कि 2-3 दिन पहले इसको छोड़ के गए हैं यहाँ पे, बाकी मेरे को तो ठीक ही लगा ना, इसकी कंडीशन अच्छी है इसकी कंडीशन ना। बाकी चलो आज मैंने और सिया हम दोनों ने करके दिखाया, क्यों क्या बोलती सरकार, हम दोनों ने करके दिखाया आज को, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम सोच रहे थे कि फ्रिज चाहिए। भाई हमारा ना जीना नाम हो गया था। हम लोग बाहर खा लेते थे खाना, तो फिर खाना बच जाता था, ऊपर से पानी, बाकी तो चलो छोड़ो ना पानी ऐसा होता, क्योंकि इतना गर्म पानी कुल्लू में क्या बताऊँ, ठीक है टंकी सारा जाहिर सी बात, ऊपर से गर्मी, तो मतलब खाना पीना हमारा हम लोगों का मुश्किल हो गया था। फिर अभी हमारे लिए इतना सही हो गया कि पानी के लिए अच्छा पानी, मतलब ठंडा पानी इस गर्मी में फ्रिज की हम लोगों को बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। सो हमारे दोस्त विशाल और रॉबिन ने दोनों ने बेचारों ने हमारी हेल्प की, बाकी इनके लिए थोड़ा जूस जस लाया है। बाकी भिंडी सोचा था जो हम भिंडी बनाएंगे, बट भिंडी नहीं बना पाए क्योंकि भिंडी खत्म हो गई थी, और आज हम घेरे की सब्जी बनाएंगे। बाकी अभी ऐसा है, अभी डिसाइड करेंगे हम लोग कि ये फ्रिज कहाँ रहेगा, यहाँ या फिर किचन में, देखते हैं। चलो पहले जूस पियो आराम से बैठ के ना, मतलब विशाल पूरी कोशिश ये फ्रिज फिट होगा बिल्कुल। चलो चलो जूस पी लो पहले, अभी इसको डिसाइड करें हम लोग कैसे रखें, कहाँ रखें, क्या करें, क्योंकि यहीं पर ही जचेगा ऐसा लग रहा है हम लोगों को ना। किचन है ना, वहाँ पर नहीं आ पाएगा बिकॉज स्विच के साथ ना, वहाँ पर हमारा किचन में स्विच के साथ सिंक है, बर्तन नहीं धो पाएंगे फिर हम। तो अभी मुझे लगता है कि ये यहीं पर ठीक रहेगा, इसको झाड़ अगर यहीं ठीक लगे तो मेरी बात मान, बड़ी बहन की बात सुन लिया कर तू कभी, ठीक है। मुझे तो लग रहा है यहीं पर ही ठीक ना, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, आगे आपको दिखाऊंगी मैं। वैसे तो ठीक है, अच्छा है फ्रिज पूरा ना, हम लोगों को पसंद भी आया पहली नज़र में ही। बाकी हम लोगों को लेने का कोई वो नहीं था कि अभी लेंगे, हम तो जस्ट देखने गए थे, बट एकदम से ऐसा हो गया कि भाई चलो लेना ही पड़ा। अभी ऐसा है कि चलो आपको थोड़ा सा फ्रिज का टूर करवाते हैं हम लोग काफ़ी टाइम से सोच रहे थे यार कि फ्रिज लेना है, फ्रिज लेना, फ्रिज लेना है। तो अभी ऐसा करते हैं कि फाइनली हमारे रूम पे फ्रिज आ ही गया। हम काफ़ी टाइम से स्कीम कर रहे थे कि यार फ्रिज तो चाहिए चाहिए रूम पे, वरना ना बहुत दिक्कत हो रही थी हम लोगों को पानी पीने से लेकर खाने खाने तक, क्योंकि यह सबसे पहले तो रेड कलर का है और अपना LG है भाई, LG बेस्ट कंपनी। सो अभी थोड़ा सा तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी है, मतलब उतनी भी बुरी नहीं है। बाकी अभी ऐसा है कि साफ़ है, अच्छा है मतलब फ्रिज ना, इसीलिए हम लोगों ने पहले पूरा चेक किया कि भाई ठीक है कि नहीं है। ये अपना एक आ गया यहाँ पर रखने के लिए, फिर यहाँ पर रख सकते हैं बड़े आराम से आ जाएगी हमारी वेजिटेबल्स, आ जाएगी यहाँ पर हमारी बोतल वगैरह जो भी पानी पुनी की है। बाकी अच्छा है यार ऊपर से लेकर, आप लोगों को क्या लगता है हम लोगों ने गलती की या फिर ठीक है, बाकी लंबाई वगैरह सब कुछ ठीक है इसकी, अच्छा है मतलब ये फ्रिज ना हम लोगों को काफ़ी महंगा पड़ने वाला था, बट ये तो चलो किस्मत बोलते हैं ना, हम लोग भी लोग निकल भी पड़े एकदम से, और एकदम से दिमाग में घूमा कि चलो। अभी हमारे प्लान में ना थोड़ा सा चेंज आया, हम लोग सोच रहे कि इस फ्रिज को हम किचन में अगर एडजस्ट कर लेते हैं ना, अगर हम इस फ्रिज को किचन में एडजस्ट कर लेते हैं तो शायद ज़्यादा बेटर होगा। अभी देखते हैं किचन में ज़्यादा बेटर लगेगा कि रूम में, थोड़ा सा क्योंकि एडजस्ट करना ही पड़ेगा है ना, क्योंकि फिर एक बार ही फिक्स कर लेंगे इस चीज़ को ना, फिर बार बार निकालने को नहीं होगा। सो अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, तो अभी देखते हैं। आप लोग बताना रूम में ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि किचन में, तो अभी किचन ले जाते हैं फ्रिज। तो चलो लेट्स गो। यहाँ फ्रिज आ गया, इधर गैस आ गई, तो मुझे तो यहाँ ठीक। तुम लोगों को क्या लग रहा है? मैं तो इसको सीख गया। नहीं, तुम लोगों को क्या लग रहा है बाहर?
अंदर लेबर नहीं यार, लेबर नहीं यार, आइडिया बता तुम लोगों को, यार आइडिया बता तुम लोगों को क्या लग रहा है, बाहर ज्यादा सही था कि यहाँ पे क्यों रॉक, क्या लग रहा था? मेरे को भी बाहर लगा, आप विशाल लग रहा था, बोला अंदर रखेंगे, क्योंकि ना ये जो किचन है थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है ऐसा लग रहा मुझे, क्योंकि काम कुम करने को मुश्किल होगी और गर्मी जैसी भी है यहाँ पे तो ना, कैसा भी देखो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा यहाँ पे ना, तो अभी यहाँ पर देखो बिल्कुल एरिया बिल्कुल कंजस्टेड सा हो रहा है, हो रखा है मतलब ना, तो मुझे तो ठीक नहीं लगा भाई, तो ऐसा करते इसको बाहर ही निकालते क्यों। चलो कुछ ज़मीनी, अभी हम लोग सोच रहे कि इस तरफ हमारा जो बेड है बेड के साथ में देखते हैं, क्या पता यहाँ पर बात जमी, अभी बात कुछ जमी नहीं यार, अभी उस फ्रिज को ना सही जगह नहीं मिल रही है, अभी देखते हैं। काफी बड़ा फ्रिज है, बस सोए ना हुए। खाना कैसा बना विशाल? बढ़िया बना है। सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है? नहीं बढ़िया बना है। रॉबिन कैसा लगा खाना? ठीक लगा, नमक नमक सही है? ठीक है नमक। कैसे दर्द हो गया शाही सिल्ले मुझे? मेरे शरीर दर्द रहा क्यों विशाल? बताओ। अभी विशाल और रॉबिन ये दोनों खाना खा रहे हैं, बाकी हम लोग थोड़ी देर के बाद खाएंगे, पहले हम इनको खाना खिलाएंगे, देन उसके बाद हम आराम से खाएंगे, हमारे पास बहुत ज्यादा काम है, वो साफ सफाई करने हुआ है। सो गाइस अभी फाइनली हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने डिनर कर लिया है, तो अभी बर्तन धोने की बारी है भाई, अभी मैं फटाफट बर्तन साफ कर रही हूँ और जो सीव है वो थोड़ी सी चपातियाँ बना रही है। आजकल हम लोगों ने थोड़ा सा शेड्यूल चेंज कर लिया अपनी जिंदगी का, चपातियाँ ज़्यादा खाना हम लोग प्रेफर कर रहे हैं और चपातियाँ ज़्यादा, चपातियाँ ज़्यादा खाना पसंद कर रहे हैं, और कोशिश करें कि चावल कम और चपातियाँ ज़्यादा। जी हाँ, तो अभी मैं बर्तन धो रही हूँ, बर्तन साफ कर रही हूँ, बाकी ऐसा कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तू खुश है? पापा को बताया, मम्मी को बताया तूने? तू अपने ब्लॉगिंग और फोन से खुश रख मिले तो मैं फोन करूंगी। चल चुपचाप अपना ब्लॉगिंग ना, तो बताया तूने? हाँ कब बताया? फोन करके बताया। इतने झूठ रहे, अभी ना हम लोगों ने मम्मी को तक नहीं बताया, पता है मम्मी को तक पता नहीं हम लोग ये वो इतना बड़ा, आई मीन मम्मी को तक हम लोगों ने बताया नहीं कि हम लोगों ने ये चीजें कर ली है, अभी जब मम्मी को पता चलेगा तो ऐसा सुनाएगी पहले लंबा चौड़ा कि तुम्हारे को क्या जरूरत थी ये वो सब, हमें जरूरत थी भाई इसीलिए लिया। हो चुके हैं देखो, दो दो काम कर, दो दो काम हो गए हमारे, बर्तन भी धोने हो गए और आप लोगों से बातें करना भी, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा कि जब मेरे दो दो काम होते हैं ना साथ में, खासकर बर्तन धोते वक्त। जी हाँ, क्योंकि बर्तन धोते वक्त ना मैं इतनी बोर हो जाती हूँ कि मैं क्या, ऐसा होता था कि या तो मैं किसी दोस्त को फोन करूंगी, बातें करूंगी, फिर बर्तन धोंगी, है ना, फिर मेरी फ्रेंड एक बहानी वो तो बोलती है हाँ तू बर्तन तो नहीं धो रही गई, ठीक है, उनको इतना शक है मेरे भी मतलब, ठीक है ये है, बाकी ऐसा है कि वही चलो आपसे बातें भी हो गई और आज मैं बहुत ज्यादा खुश भी हूँ और अच्छा भी लग रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है यार कि हम लोगों ने अपने रूम में रूम के लिए स्विच बाय किया अपने पैसे से, खुद की मनी से, ठीक है। बाहरों का होता है या पहाड़ों का होता है? सॉरी मुझे इतना ज्यादा मालूम नहीं है, मैंने कर लेना। मैं आज में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, तो अभी जो फ्रिज है हम लोगों ने सेटअप कर लिया अपने बेड के साथ, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों को इसलिए सही लगा क्योंकि वहाँ पर जगह भी बच रही थी हम लोगों की और खाली स्पेस भी था, और अब ऐसा लग रहा कि भरा भरा सा रूम लग रहा है। मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको अच्छे से कल रूम का टूर करवाएंगे आपको अच्छे से कि कैसा लग रहा है रूम, ठीक है। बाकी अभी ऐसा कि अभी हम लोग खाना वगैरह खाएंगे, ठीक है, डिनर करेंगे, बाकी देखते हैं अभी क्या होता है, रोटियां सियाने बना ली हैं तो बस डिनर ही करना है, ठीक है, फिर आराम से जाना, ठीक है, बाय। तो अभी हमने ना कपड़े तक नहीं चेंज किए, पता है आते ही अभी 11 बजने को सिर्फ 4-5 मिनट रहे हैं, अब हम 11 बजे खाना खा रहे हैं। सो गाइस अभी ऐसा है कि अभी खाना खा लेते हैं, दही, वैसे तो बोलते दही रात को खा लेनी चाहिए बट आज खा लेंगे ना, का खाना यही हमारा खाना है, घेरी की सब्जी है। अभी भाई ऐसा है कि अभी हम ऐसा करते हैं कि अभी हम लोग खाना खाते हैं फटाफट, ठीक है, तो बाकी बातें आपसे बाद में करें क्योंकि इस टाइम टाइम कितना हुआ है,
11 बजने वाले हैं, ठीक है, तो 11 बजने वाले हैं, तो अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि मेरे पास एडिटिंग करने को भी बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा काम है मेरे पास अपने। नहीं, आप सोचते होंगे तेरे तो ब्लॉग आते नहीं, मुझे दूसरों की एडिटिंग करने को है, काम भी, खाना खा लेते यार, है ना, ताकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। बाकी आपसे, बाकी की बात है जो भी है वो आपसे कल करेंगे, नेक्स्ट ब्लॉग में करेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। तो होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हम लोगों को बहुत ज़्यादा हिम्मत देता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो और मज़े करो, बाय।